फिलहाल आज है संडे, तो आज का ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम कल बोले थे कि कल हम लोग जाएंगे एंड बोले थे कि हम लोग जाएंगे काचा बादाम से मिलने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग निकलने वाले, तो पूरा तैयार हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो फिलहाल चलते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी रास्ता में है, तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले। और ये रहा हमारा रोड, हमारा पंडेसर का हाल, जो कि देख सकते हैं अभी ओवर ब्रिज बनने वाला है, बिकॉज अभी बना नहीं है, काम चल ही रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर से पेट्रोल पंप लेना बहुत ज़रूरी है, तो फिलहाल अभी हम लोग लेंगे। ये रहा हमारा अजय नदी का ब्रिज, जो कि हर वक्त यहीं से जाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इधर का सीन तो कुछ इस तरह से, जो कि हम लोग जाते हैं वहाँ पर नहाने के लिए। फिलहाल घर से निकल चुके हैं और अभी हाईवे पे है, तो कल चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद वहाँ पर जाके मिलेंगे। बाल वगैरह ख़राब हो चुका है, वहाँ जाकर ऊपर ठीक कर लेना होगा, कहीं पर रुकेंगे तो वहाँ कर देंगे, बिकॉज अभी अच्छा से चलते हैं। निकल चुके हैं यहाँ से और फिलहाल देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा खेत है रास्ता किस तरह से है, और खाली खेत ही है तो अच्छा रास्ता है गांव के तरह, पर ये वेस्ट बंगाल है और इधर गांव इलाका ही पड़ता है गाइस, इसलिए ऐसा रोड है छोटा छोटा पतला जैसा। तो इस पे कार ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है जो जो आ सकता है वो लोग को। उसके बाद यहाँ से हम लोग राइट ले लिए। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पोखर वगैरह है, तालाब, और इधर पेड़ भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ का मौसम देख लीजिए, एकदम गांव की तरह है। और हम लोग जा रहे सिद्धो जोन दो भाई, और इधर सब साइकिल से जा रहा है क्योंकि ये गांव है, बाइक बहुत कम चलता है इधर। और इधर देख सकते हैं ये रहा सरसों का खेत, जो कि हरा भरा है, पूरा एकदम हरा भरा देख सकते हैं। आ चुके हैं काचा बादाम के गांव, और ये रहा रोड जो कि यहां से जाते हैं काचा बादाम के घर। तो बिकॉज़ वो घर पे है या नहीं मुझे तो नहीं पता, पर उसके घर जाके पता चलेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बस, और थोड़ा सा दूर है ये रहा उसका गांव, यहीं से सब कोई जाता है मिलने के लिए। गाइस हम लोग आ चुके हैं ना सीधा हा? तो सीधा चलो सीधा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा सा दूर में है, क्योंकि हम लोग आए थे मैप चालू करके, और यहाँ पर उसका गांव वाला बोल रहा कि थोड़ा सा आगे है उसका घर। तो गाइस इसका घर है और अंदर जाते हैं। बोल ची भूमन दास है, और ये उसका घर है, और ये परिवार सब। तो ये है उनका घर, और ये है न्यू घर उसका। तो मैम लोग आए हैं मिलने के लिए, और ये उनका बाइक है। यहाँ लोग आ चुके हैं भूमन दादा का घर में, और बिकॉज़ हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं पांडवेश्वर से, जो कि हमारे एरिया से 30 या तो 35 किलोमीटर हो। मिल के काफ़ी अच्छा हमको लगा, तो अभी इनसे पूछते कि कैसा लगा इनको, केवल लगल मैं तो दूर थी आस लग। हाँ भल लगे तुम्हारा आसचो, हमारा भल लगे खुशी होते মন ভরে যাচ্ছে। আবার আজ থেকে মানুষকে তো প্রতি মানুষকে তো আমি শ্রদ্ধা করেছি, যে মানুষের নিয়েই আমার এরকম অবস্থা হয়েছে, আর মানুষের চরণধুলি পেয়েছি, মানে ভালোবাসা পেয়েছি, আশীর্বাদও পেয়েছি তাদের, আশীর্বাদ না হলে এইসব জিনিস পাই না বলো।
তো এটা তো আমার নতুন এখন চ্যানেল খুললাম এখন কিছু বেনিফিট হলো না তো একটাও ভিডিও যদি ভাইরাল হয় তাহলে তোমাকে কিছু আমি গিফট করব ঠিক আছে হয়ে যাবে যা কামার কাছে থেকে যে অসম্মান করতে পেরেছি করেছি মানে দাদা আমাকে একটু ভিডিও বললাম কেন তোমাদের জন্যই তো আমার এত দূর আই বদম মাঝে পালো মাথা ছিড়া চুললে সিটি গলে চুড়ি মালা দিয়ে মোবাইলে বড ভাঙা দিয়ে বাদাম মোবাইলে বড গুলো পাঁচি টাকা দাম পাঁচি টাকা দাম পায়ে তুড়া হাতের বালা থাকে যদি সিটি গলে চেন দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নেই কবু ভাজা বাদাম আমার কাছে পাবে শুধু কাঁচা বাদাম আরেকটা গান ছিল হ্যাঁ আরেকটা গান ছিল ওই বাবা ছিল আরেকটা গান সারে গম গৌরী আরে গান শুনাবো তৌরি মনের মতো তোরা গান শুনিতে হইয়ালি ইটা দেখলে ইউটা দেখলে হয়ে মঞ্চে হারা সারা পৃথিবী গুইরা দেখো নাই কেউ আমার পার হাই লালা হাই ওই বাদাম বিচে খাই আর বলো না গান বলিতে মাথা ধরে যায় আমার মাথা ঘুরাই যায় যদি মুখটা ধরে যায় সুন্দর আমার তো খুব ভালো লেগেছে আবার ওনাকেও তো মোটামুটি ভালো লাগা উচিত তো ওনাকেও খুব ভালো লেগেছে খুশি হয়েছে এখন যদি ঘরে না থাকতো তো আসা বেকার হয়ে যেত আমাদের অত দূর থেকে আসলাম সাবস্ক্রাইব করে দেবে লাইক করে দেবে অথচ কমেন্ট কমেন্ট করে দেবে কমেন্ট করে দেবে আর অ্যাডটা তো বেশি জরুরি অ্যাড না হলে তো টাকা ঢুকবে না আবার কিছু বেনিফিট হ্যাঁ আমি আসবো আবার নম্বর লে লিয়ে হ্যাঁ ভিডিও কো ইয়ে পর এন্ড করতে হ্যাঁ আই হোপ কি আপকো ভিডিও পছন্দ আয়ে পছন্দ আয়ে তো সাবস্ক্রাইব করেন আর ভিডিও কো লাইক করতে হ্যাঁ মিলতে হ্যাঁ নেক্সট ভিডিও কো আর জলদি চা দে চাই পিয়েঙ্গে আমি সব খো ভাই ঘর থেকে নিকলেন ফিলহাল গাড়ি পার্ক কি থে চলত ফিলহাল আমি নিকল চুকে ঘর সে চলতে ঘর কে ওর কুড়াল জুড়ি কা গাঁও যো কি কাঁচা বাদাম কে নাম সে ফেমাস হ্যাঁ গাঁও মে কিসি সে ভী পুছিয়েগা তো আপকো বতা দেগা কি উসকা ঘর ইয়াহাঁ পর হ্যায় বিকজ হম লোগ ভী পুছ কর ইয়াহাঁ থে তো ফিলহাল আব ঘর কে জাকে মিলতে হ্যায় ঘর পে জাকে মিলতে হ্যায় ঠিক হ্যায় তো চলিয়ে দোস্তো ঘর পে জাকে মিলতে হ্যায় জলদি ফিলহাল আব ঘর কে লিয়ে চলতে হ্যায় কিউকি কাফি জ্যাদা ইয়াহাঁ পর লেট হো চুকা হ্যায় কাঁচা বাদাম ভী সে মিলতে মিলতে তো হম লোগ ইয়াহাঁ পর দেখ সকতে হ্যায় গাঁও ইলাকা হ্যায় তো ফিলহাল ঘর জাকে মিলতে হ্যায়
तो आप लोग देख सकते भैया वीडियो कर रहा है, इधर देख लीजिए थोड़ा। और ये हेलमेट पहना हुआ और हम गाड़ी चला रहे हैं। फिलहाल चलिए घर पे जाके टायर खींचते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो सकता है वीडियो। और मौसम देखिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं बोला था आगे कि आप देख सकते पानी पड़ भी सकता है, बारिश हो सकता है, इसलिए क्योंकि अभी मतलब परसेंट दिखा रहा है कि पानी पड़ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, पानी भी आ सकता है। इसलिए हम लोग सोचे कि ना जब तक पानी नहीं पड़ रहा तब तक निकल जाने से ठीक रहेगा। तो फिलहाल चलते हैं जल्दी से।